हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली तक कुछ मीठा बनाया जाए। इसलिए आज से दिवाली तक मैं रोज़ आपके लिए मीठे की रेसिपी लेके आऊँगी, ताकि आप बाहर से कोई भी मिठाई ना ला पाएँ। उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए चलिए फिर आज बनाते हैं मखाने के लड्डू। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी। डू ट्राई इट। चलिए, मखाने के लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए मखाने 250 ग्राम, शक्कर चाहिए, कप से नाप लीजिएगा। देखिए, ये चाय वाले जो कप होते हैं ना, नॉर्मल ये वाले कप से मैंने तो नाप के लिए है। इस 2 कप ले लीजिए, 2 ही कप आप डेजिग्नेटेड जो होता है कोकोनट वो ले लीजिए। घी ले लीजिए 2 चम्मच, दूध ले लीजिए बॉइल्ड दूध, और नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों, कलर ले लीजिए, यही चाहिए बस। अब इससे पहले आप इसको रोस्ट कर लीजिए मखाने को, ताकि वो क्रिस्प हो जाए। थोड़े क्रिस्प होने तक आपको उसको भूनना है, और लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखनी है बिल्कुल भी, लो फ्लेम रखना है आपको, और उसको भून लीजिए अच्छी तरह से। जलाना नहीं है, बस भून लीजिए, ताकि ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको भूनने में, अगर कढ़ाई आपकी गर्म है तो। बस अच्छी तरह से भून लीजिए और बीच बीच में चेक करती रहिए। देखिए, इस स्टेज तक आपको भूनना है, अभी आपको पता चल जाएगा। आप ना हाथ में लेके एक तोड़ के देखिएगा, वो पता चल जाता है ऐसे, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया। आप तोड़ के देख लीजिए, ये देखो, ये इस क्रिस्पीनेस तक चाहिए हमें, है ना। ये देखिए, ये एकदम से टूट रहा है, क्रिस्प हो चुका है मतलब। ठीक है, आप इसको एक बाउल में आपको निकाल लेना है। बाउल में निकाल लीजिए सारा। बस ठीक है, बाउल में निकाल लीजिएगा। अब एक पैन में आप बादाम और काजू जो हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम रोस्ट की हुई चीज़ें डालेंगे ताकि ये ज़्यादा दिन चलें आपके, ठीक है ना। तो रोस्टेड होंगे तो ज़्यादा देर चलेंगे, नहीं तो कच्चे में ख़राब होने का डर होता है। तो रोस्ट हल्का हल्का आप कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद में आपको इसको भी अलग रख लीजिए। इसको भी ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, ये हल्का हल्का इस पर कलर आना चाहिए, हल्का हल्का, सब पे कलर नहीं देना, हल्का हल्का कलर आ जाए तो इसको भी आप अलग निकाल के रख लीजिए कटोरी में। उसके बाद एक कढ़ाई में आप घी डालिए, उसी जो 3 चम्मच आपने घी लिया था उसी में से थोड़ा सा घी लेना है आपको। अब इसमें आप किशमिश को फ्राई कर लीजिए, हल्का सा फ्राई करना है आपको, ज़्यादा नहीं। जब जैसे ही तेल गर्म हो जाए, घी गर्म हो जाए तो आपको इसको हल्का हल्का सौते करके अलग से बस निकाल लेना है आपको। आपके नट्स फ्राई हो गए, किशमिश आपकी फ्राई हो गई, नट्स को सॉरी ड्राई रोस्ट किया हमने, बस इसको भी अलग निकाल लीजिए इस स्टेज तक। ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा नहीं फुलाना इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, मखाने लेने हैं जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे। मखाने एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल लीजिए, और थोड़े मखाने आप रख लीजिएगा, थोड़े से रख लीजिएगा इसको हम, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों रखा है हमने। इसमें ये डाल दीजिए जो नट्स हैं आपके, और मिक्सी में ग्राइंड करके इसका ऐसा दरदरा सा भूरा बना लीजिए, देखिए ऐसा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये देखो, इसको दरदरा तोड़ लेना है हमने, है ना। दरदरा तोड़ लीजिए इसको अपने हाथों की मदद से, या फिर आपके पास वो मॉर्टल एंड पेस्टल होती है ना, उसकी सहायता से तोड़ लीजिए, या फिर किसी कपड़े में रख के बेलन से कर दीजिए। अब कढ़ाई में शक्कर डालिए, शक्कर को हल्का, आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। आप इसको मेल्ट कर लीजिए, गुड़ होगा तो आपको मेल्ट कर लेना है, शक्कर को ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का फेरते हो ताकि वो भी हल्का हल्का सिक जाए, भूनने की ज़रूरत नहीं है इसको, हल्का हल्का सिक जाए बस। इस स्टेज में आपको आके देखिए, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको,
इस स्टेज में आपको आके इसमें जो हमने मखाने का जो मिक्सचर किया था, मखाने और नट्स का जो मिक्सचर किया था हमने, जो पीस के रखा हुआ था, उसको डालना है आपको, उसको इसके अंदर मिक्स कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। ये लीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, ताकि वो जो भूरा, चीनी का भूरा जो है, यानी शक्कर जो है, सॉरी चीनी का नहीं, शक्कर जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से जो हल्की हल्की आपको गुठलियाँ दिख रही हैं वो भी नहीं रहेंगी, जब जैसे जैसे ये मिक्स होगा, अच्छी तरह से हीट अप होगा, वो सब मेल्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और यकीन मानिए इतने टेस्टी बनते हैं ना, और शक्कर तो आपको पता है वैसे ही हेल्दी होता है, हेल्दी फॉर्म है शुगर का, तो आप ये ले सकते हैं। बस आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें आप फिर वो जो नारियल का बूरा है वो डाल दीजिए, वो डाल के मिक्स कर दीजिए। 2 कप ही लिया था हमने नारियल का बूरा भी, बस अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। नट्स डाल दीजिए इसमें, रेजिन्स यानी किशमिश, इस स्टेज में जो वो 2 चम्मच आपने घी रखा हुआ था ना, 2 से 2.5 चम्मच, वो मिक्स कर दीजिए, ताकि बाइंडिंग इनकी जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। अभी ये आपको ड्राई ही लगेगा, कोई बात नहीं, इसको मिला लीजिए ताकि ये भुन जाए, अच्छी तरह से सिक जाए और हर चीज़ की बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। बस ये नट्स डाल दीजिए इसमें, जो काजू बादाम रह गए थे थोड़े से वो डाल दीजिए, क्रश करके रखने हैं। एक तो हमने वो मिक्सर में डाले थे उसका अलग है, ये थोड़े से नट्स आप अलग से रख लीजिएगा दरदरा काट के, उसको तो पीस लिया था हमने, ये दरदरा काट के रख लीजिए। बस ये अच्छी तरह से मिक्स करके इनको, जो पिंक कलर रखा हुआ था हमने, या तो आप इसमें डाल दीजिए, इसमें डालेंगे तो देखिए ज़्यादा पता नहीं लगेगा, मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली, तो इस पे मत डालिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो दूध रखा हुआ था ना, जो दूध में डाल, वो दूध में आप वो कलर मिक्स कर लीजिए उसमें। अगर आपको कलर नहीं ऐड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो वो आपका इस कलर में रहेगा, है ना, पिंकिश कलर ने टोन नहीं आएगा। ये देखिए मैंने दूध में मिक्स कर लिया था, तो दूध में मिक्स करने से वो बाइंड हो गया और कलर भी अच्छी तरह से खिलकी आ रहा है ऊपर, वो आपको लड्डुओं में पता चल जाएगा। अदरवाइज आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए, कोई बात नहीं। अब पिंच से भी हल्का सा डाला है मैंने इसमें कलर सिर्फ, ठीक है, तो रादर आप वो पानी में मिक्स करके हल्का सा घोल बना के वो डालिए, आप दूध में मिक्स कर लीजिए सिंपल, इससे वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से और कलर भी अच्छा आएगा। अब ये देखो स्टेप, आप वो दूध डाल दिया ना, तो आप ये मिक्स करके देख लिए, लड्डू बाइंड करके देख लिए कि बाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही है। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसको बाइंड करके देखना होगा, और जल्दी जल्दी करना है इस प्रोसेस को, बाइंडिंग को, यानी लड्डू जो बांटने हैं आपने वो जल्दी जल्दी करना है प्रोसेस को, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शक्कर है, ठीक है, तो ये इसलिए जल्दी जल्दी लड्डू मारने हैं इसके, अलग से निकाल के रख लीजिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, हल्का, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, मतलब गैस से उतारा है आपने, है ना, नॉर्मल हाथ पे घी लगा के देखिए ऐसे ऐसे करके आप बांट लीजिए लड्डू हल्के हाथों से, बस जो भी साइज आप रखना चाहें वो साइज आप रख सकते हैं इस तरह से लड्डू बांध लीजिए। कलर देखिए, पिंक टोन देखो कितना अच्छा लग रहा है इसमें, हल्का हल्का पिंकिश, नहीं तो अदरवाइज ये ना हल्का ब्राउन रहता है, ये व्हाइटिश ब्राउन रहता, लेकिन अब ये पिंकिश सा कलर आ रहा है।
देखिए लड्डू बन चुके हैं, कितना प्यारा कलर आ रहा है उसे, और यमी, इतने यमी लगते हैं ना ये लड्डू, मस्त से। थैंक यू सो मच गाइस, #दिवाली सीरीज जारी रहेगी दिवाली तक, प्लीज़